नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। देश में अमृत काल चल रहा है। देश में भाजपा की सरकार है, देश में एनडीए की सरकार है, चारों ओर हत्या हितैषी बलात्कार है। बड़ी खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां पर इंद्र कुमार मेघवाल की पानी पीने पर हत्या कर दी गई थी। वहीं पर विजय राज देवासी, जो जालौर निवासी थे, जालौर जिले के थे, उनकी वहां आज हत्या कर दी है। ये बातें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, ट्वीट करके बताया। अभी उनसे बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं अभी पलामू में हूं, और उन्हें बताया, जब फोन उनसे बातचीत हो रही थी, उन्हें कहा कि मैं पलामू में हूं, लेकिन देश में अमृत काल चल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आरएसएस के इशारे पर चल रही सरकार, और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार और फुल बहुमत की सरकार है, और इसमें दलित आदिवासी अति पिछड़ा पिछड़ों पर अत्याचार होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ आगे बढ़ने में या किसी भी प्रकार में जब वो काम करते हैं बढ़ के, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिवानी के बात हो, शिवानी जो बिग बॉस में होस्ट कर रही थी, जो अनिल कपूर जो है उनको नेतृत्व कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे इस कार्यक्रम को, तो उसी में शिवानी के साथ भी आप जान सकते हैं कि किस तरह से मनुवादियों ने उनके प्रताड़ित करने लगा। पहले तो अरमान मलिक ने क्या, उसकी पहली पत्नी ने क्या, फिर दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने भी किया, और यही नहीं, उसको बख्तमीज, जातिवादी, गाँव गंवार, इन जितना था सब कह दिया गया। उसी पर किस प्रकार से इस अमृतकाल के समय, अमृतकाल सोच लीजिए, सिर्फ ये अमृतकाल भाजपा का ही नहीं है, इसके पहले कांग्रेस ने भी दलित आदिवासी अति पिछड़ों के साथ तो अन्याय किया ही, लेकिन जहां जहां भाजपा कांग्रेस की सरकार है, वहां दलित आदिवासी अति पिछड़ों का जीना मुहाल हो गया है। अभी राजस्थान में पहले सुने होंगे कि पानी पीने पर इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या की गई, वहीं पर राजस्थान के जालौर में विजय राज देवासी की हत्या कर दी गई। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आरे हाथों लिया कि क्या यही अमृत काल है, क्या इसी तरह से आप जो है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों पर अन्याय अत्याचार करते रहेंगे, वीकर सेक्शन के साथ, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उसके साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा, और उन्होंने इनको 50 लाख रुपया मुआवजा देने का, इनके आश्रितों का सरकार से मांग किया, और कहा कि विजय राज देवासी को सरकार न्याय दे, स्पीडी ट्रायल करके और जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजे। ये बातें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा। रामजी गौतम यही नहीं रुके, रामजी गौतम ने केंद्र सरकार को आरे हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार हत्या तो करवा ही रही है दलित आदिवासी अति पिछड़ों का, ये मनुवादियों की सरकार है, ये नहीं चाहते कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग आगे आए, अगली पंक्ति में बैठे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। पिछले दिनों इन्हें राज्यसभा में बोलते हुए इन्होंने कहा था कि हमारे समाज के लोगों को, खासकर भारत में जो 90% बहुजन समाज के लोग हैं, उनके शिक्षा का जो कोटा है, शिक्षा का जो बजट है, उस बजट के पैसे को काट कर अन्यत्र जगह लगाया जाता है, धार्मिक क्षेत्रों में लगाया जाता है, लेकिन उसके पढ़ने के क्षेत्र में नहीं लगाया जाता है, उनको जो है भटकाया जाता है, उनके सही मुद्दे पर नहीं, उनके जो सही खर्च होने चाहिए, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उस पर खर्च नहीं करती है। ये बातें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुखर होकर के बोलते हैं, बोले भी थे पिछले दिनों जब सदन और सत्र चल रहा था, लेकिन अभी अभी उन्होंने ट्वीट करके बताया कि राजस्थान में जालौर में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में इंद्र कुमार मेघवाल की पानी पीने पर हत्या हुई, और आज वहां विजय राज देवासी की हत्या हुई। ये बातें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी और फोन पर भी जानकारी दी। अच्छी खबरें और सच्ची खबरें सुनने के लिए सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, और एसएम न्यूज आपको हमेशा सच्ची और अच्छी खबरें लेकर आता है। अगर देश की और राज्य की सभी सच्ची अच्छी खबरें देखना है तो एसएम न्यूज को जरूर देखें, और यदि खबरें पसंद आए, बात सच्ची है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और समाज के अंतिम पायदान तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि अंतिम पायदान पर बैठे लोग जगे
और अपनी बात को मजबूती से रखे, अपने हक अधिकार के जानकारी ले और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े और उनको पता चले कि देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग शोषित वंचित वीकर सेक्शन की आवाज मजबूती से रखता है। शुक्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।